Good morning, students. Today we'll start our chapter number 15 in grammar book. Okay, so capital letters and full stops. Now we have to see when we have to write capital letters and when we have to put full stop. So read the following sentence. Spiders have 8 legs. Now in this, spiders S. So S is the first letter of the sentence. So we will write capital. And at the end of the sentence, we have to put full stop. जब हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, हमें आगे कुछ नहीं कहना होता है, सो हमें क्या करना चाहिए? फुल स्टॉप लगाना चाहिए. और सेंटेंस कभी भी हम जब स्टार्ट करते हैं, जब हम पहला सेंटेंस जब लिखते हैं, पहला लेटर, वो लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल. वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद अ फुल स्टॉप. हमें कभी भी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करनी चाहिए और जब हम सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ एन एनिमल, टॉर्टोइज वॉक स्लोली. सो हियर वी हैव सब सेंटेंसेस दैट यू हैव टू करेक्ट. नाउ हम कैपिटल किस किस जगह पे लिख सकते हैं सेंटेंस के बीच में? यस, प्रॉपर नाउन. जो भी प्रॉपर नाउन है उसे हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है, जैसे कि किसी का नाम, एनिमल्स नेम, बर्ड्स, है ना, फ्लावर्स के नेम्स. अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, अदरवाइज वी आर राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स. ओके, दिस वन ऑल्सो. नाउ Ravi went to the zoo last Sunday. Anish was born in March. We are going to Goa during the holidays. Seema and Anu are sisters. She is 2 years old and I am 4 years old. So in this, जो भी लेटर्स को रेड किया है ध्यान से देखो वो कहाँ और कब कैसे लिखा गया है सेंटेंस में. सो हियर संडे मार्च गोवा रवि यानी सीमा अनु एंड आई बिगेन विद कैपिटल लेटर. ये सब किससे है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है. इसमें डेज, मंथ, सिटी, पीपल एंड द प्रोनाउंस का यूज़ हुआ है, इसलिए हम कभी भी अपनी सेंटेंस ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप देना है हमें. ठीक है, नाउ इन दिस वी हैव टू सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एंड वी हैव टू टिक इट. ओके, नाउ इन दिस रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली. योर वन सेंटेंस इज देयर दैट वी हैव टू करेक्ट एंड वी हैव टू रीराइट इट विद द कैपिटल लेटर प्लस फुल स्टॉप्स. Like this, okay. So we begin sentence with a capital letter and end with a full stop. For example, peacocks have colorful feathers. So peacock P is a capital letter and in the last it's full stop. Okay, did you all get it? Whenever we'll write new letter or new word or we are starting now to writing, so be careful and learn this one, that whenever you have to start a sentence that should be in capital letter and end with a full stop. Okay, did you all understood? I will send you pictures. Okay, thank you.